करनाल के जिला प्रशासन ने लघु सचिवालय के परिसर में अवैध रूप से बने शेड को गिरा दिया है। आपको बता दें कि लघु सचिवालय के परिसर में नक्शा नवीस एवं टाइपराइटर द्वारा अवैध रूप से शेड बना लिया गया था, जबकि यह जगह पार्किंग के लिए निर्धारित थी। जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए बुलडोजर की सहायता से यह शेड गिराया गया। इस मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार राजबख्श सिंह ने बताया कि जो भी रजिस्टर्ड नक्शा नवीस है उनके लिए सरकार द्वारा नए शेड बनाए गए हैं एवं उनको सुविधाजनक जगह उपलब्ध करवाई गई है। यहां पर जो टाइपराइटर बैठे थे वह अवैध रूप से बैठे हुए थे, जिनको आज बड़ी कार्यवाही करते हुए यहां से हटाया गया है। उन्होंने बताया कि जिला सचिवालय के परिसर में यह जगह पार्किंग के लिए है, जिस पर टाइपराइटर व अन्य अवैध कब्जा किए हुए थे, जिसको लेकर बड़ी कार्यवाही करते हुए आज यह स्थान पार्किंग के लिए साफ कर दिया गया है। वहीं इस मौके पर नंबरदार एसोसिएशन की ओर से भी तहसीलदार राजबख्श को एक ज्ञापन सौंपा गया एवं मांग की गई कि नंबरदार के लिए तहसील में कोई भी बैठने का स्थान नहीं है, इसीलिए नंबरदार को भी कैबिन बनाकर दिया जाए ताकि वह जनता की सेवा सुविधाजनक तरीके से कर सके। वहीं तहसीलदार ने नंबरदारों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग को जिला उपायुक्त तक पहुँचाया जाएगा एवं जो भी मांग नंबरदारों की है उसको पूरा किया जाएगा। यहाँ पे हमारे कत्ती डीडराइटर और दो स्टाम्प वेंडर थे, जो हमारे उनको हमने चैम्बर दिए, जो हमारे रजिस्टर्ड थे यहाँ पे, उनको हमने वहाँ जगह दी और उन्होंने अपने चैम्बर बनाए हैं। तो जो ये टाइपिस्ट बैठे थे ये वैसे ही बैठे थे, अनऑथराइज जो इन्होंने जो टाइपिस्ट थे अनऑथराइज थे। जी जी, तो इनको हमने वहाँ पे डी साहब ने जगह दे दी है और वहाँ इन्होंने चैम्बर बना के वहाँ शिफ्ट भी हो। जो ये तोड़-फोड़ की है, जो ये जगह है इनको नोटिस दिए हैं, ये मान नहीं रहते, और इनको ये जगह है जो पार्किंग के लिए है। सर, यहाँ पे बिना स्टाम्प वेंडर बैठे थे बिना लाइसेंस के, उनके लिए भी कुछ कार्रवाई की जाएगी या उनको वार्निंग दी होगी? जो बिना लाइसेंस के बेच रहे थे यहाँ पे, बिना लाइसेंस बेच रहे थे उनको बाहर निकाल दिया हमारी बाउंड्री से, सेक्रेट से। तो कितने करनाल में इस टाइम जो रजिस्टर्ड है वो कितने को दिया गया? ऐसा ही ना, 6 महीने के लिए टेम्परेरी भी दिया जाता है और परमानेंट भी है। यहाँ पे जो हमारे स्टाम्प वेंडर थे, दो परमानेंट थे जिनको हमने प्रशासन ने जगह दी। तो सर, यहाँ पर तो काफी लोग थे जिनका यहाँ से रोजगार चल रहा था, उनको सबको दिया गया है या उनको बाहर निकाला गया? नहीं, सभी को बाहर निकाला। तो आप में देखो, देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरी कार्रवाई की गई है। बहुत बढ़िया सराहनीय काम है माननीय तहसीलदार साहब की तरफ से। लोगों को बड़ी असुविधा थी पार्किंग के लिए, अब लोगों को पार्किंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार का बहुत सराहनीय कदम है, धन्यवाद। नंबरदार एसोसिएशन करनाल, और ये अपने कमरे के लिए नंबरदार बैठने के लिए अपील है, क्या मांग करते हैं? कमरा तहसीलदार साहब चाहिए। हाँ जी, मानेंगे, बढ़िया बढ़िया बनते हमारे, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.